हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यूनोनिम्स। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनोनिम्स लेकर आया हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्टूडेंट की समस्या यह रहती है कि वह यूनोनिम्स याद तो कर लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं जिसके द्वारा आप यूनोनिम्स को बड़े आसानी से और चुटकियों में याद कर लेंगे और लाइफ टाइम तक याद रखेंगे और उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो आइए हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने यूनोनिम्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड दिया है अपश्योर्ड। अपश्योर्ड का मतलब होता है अविवेकी, बेढंगा या मूर्ख, उसको कहते हैं अपश्योर्ड। अब देखिए इस वर्ड को कैसे याद रखना। अपश्योर्ड को हम अपसर पढ़ सकते हैं। अपसर, अपसर मतलब व्यक्ति कोई अपसर बन जाता है तो वहाँ अविवेकी हो जाता है, उसमें विवेक नहीं रहता है। मतलब जब तक वहाँ अफसर नहीं बनता है तब तक वह विवेकी रहता है, लेकिन जैसे ही वह अफसर बन जाता है तो उसके अंदर घमंड और अहंकार आ जाता है। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि अफसर मतलब बुद्धिहीन, मूर्ख, बेढंगा। वैसे अफसर लोग बुरा ना माने, यह सिर्फ याद रखने की एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि इस वर्ड को अच्छे से याद रखा जा सके। तो अफसर मतलब किसी भी नौकरी में हो, जब तक वहाँ अफसर नहीं बनता तब तक तो उसके अंदर विवेक रहता है, लेकिन अफसर बनने के बाद में व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड आ जाता है और वह मूर्ख या बुद्धिहीन बन जाता है। तो इस टाइप से हम इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि अपसर्ड मतलब अफसर और अफसर मतलब मूर्ख या बुद्धिहीन। इसका सिनोनिम दिया है फुलिस। फुलिस का मतलब भी मूर्ख, बेढंगा या बुद्धिहीन होता है। फुलिस और एक होता है फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख। फूल एक वर्ब है और यह फुलिस एक एडजेक्टिव है। फूल को अगर हम फुलिस बना दे तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है इसका इरेशनल। इरेशनल का मतलब भी अविवेकी, बुद्धिहीन या मूर्ख होता है। देखिए इरेशनल से अगर मान लो हम आई आर हटा दे तो रेशनल बन जाता है। इरेशनल का अपोजिट वर्ड होता है रेशनल। इरेशनल का मतलब होता है अविवेकी, बुद्धिहीन या मूर्ख, और रेशनल का मतलब होता है विवेकी, बुद्धिमान। अब देखिए इरेशनल को कैसे याद रखना है। इरेशनल में से अगर हम शुरू में आई और आर को हटा दें और अंत से हम ए और एल को हटा दें तो बचता है राशन। इरेशनल में बीच वाला वर्ड है राशन। अब देखिए राशन पर लोग अपना राशन लेने के लिए जाते हैं, खाद्य सामग्री। जो गवर्नमेंट सोसाइटी होती है वहाँ पर गरीब जो लोग होते हैं उनको मुफ्त में अनाज दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर राशन की दुकान पर लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेगी। गरीब तो कम मिलेंगे लेकिन अमीर लोग ज़्यादा मिलेंगे। अब अमीर लोग क्या है, वो सरकार को क्या बना रहे, मूर्ख बना रहे। वो सरकार की नज़र में गरीब बनने की कोशिश कर रहे हैं जबकि वो गरीब होते नहीं हैं, क्योंकि गरीब वह होता है जिसके पास खाने के लिए भरपेट अनाज ना हो, वह गरीब होता है। लेकिन राशन की दुकान पर आपको मोटरसाइकिल की लंबी लंबी लाइनें मिलेगी। अब मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति गरीब कहाँ से होगा, मतलब वो गरीब नहीं है, अमीर है, और वह लोगों को क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है, गवर्नमेंट को मूर्ख बना रहा है। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। इरेशनल में हम राशन वर्ड निकाल सकते हैं और राशन का मतलब होता है सोसाइटी जहाँ पर लोग अनाज लेने के लिए जाते हैं। और कौन लोग जाते हैं अनाज लेने के लिए, गरीब और अमीर, लेकिन अमीर लोग ज़्यादा दिखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को मूर्ख बना रहे हैं। तो राशन से हो जाएगा इरेशनल। इरेशनल का मतलब होता है मूर्ख, अविवेकी, बुद्धिहीन। इसका नेक्स्ट सिनोनिम है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का मतलब भी अविवेकी, बुद्धिहीन या मूर्ख होता है। देखिए अनरीजनेबल का एक अपोजिट वर्ड होता है रीजनेबल। रीजनेबल में अगर मान लो हम आगे यू एन जोड़ दें तो बन जाता है अनरीजनेबल। तो अनरीजनेबल का मतलब होता है अविवेकी, बुद्धिहीन या मूर्ख, जबकि रीजनेबल का मतलब होता है विवेकी, बुद्धिमान। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम दिया है यहाँ पर प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस का मतलब भी होता है अविवेकी, बुद्धिहीन या मूर्ख। देखिए प्रीपोस्टेरस को कैसे याद रखना है। प्रीपोस्टेरस में हम प्री को हटा दे तो बचता है पोस्टेरस, और पोस्टेरस में एक वर्ड आ रहा पोस्ट। लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट डालते रहते हैं। प्रीपोस्टेरस को हम ऐसे पढ़ सकते हैं फ्री पोस्ट। लोग फ्री में क्या करते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जन्मदिन,
फोकट की चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, किसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक के ऊपर। फ्री पोस्टर्स मतलब फ्री में पोस्ट करते रहते हैं। तो इस टाइप से जो फ्री में पोस्ट करते रहते हैं वह व्यक्ति कैसा होता है, बुद्धिहीन होता है, मूर्ख होता है, अविवेकी होता है। उसको ये पता नहीं है कि कौन सी पोस्ट डालनी चाहिए और कौन सी पोस्ट नहीं डालना चाहिए। फोकट की पोस्ट डालते रहते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि फोकट की पोस्ट डालने वाला मतलब फ्री में पोस्ट डालने वाला मूर्ख, बुद्धिहीन और अविवेकी होता है। इसके बाद में इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है रिडिकुलस। देखिए एक वर्ड है रिडिकुलस और एक सिनोनिम है इसका लूडिक्रॉस। रिडिकुलस और लूडिक्रॉस, रिडिकुलस का मतलब भी अविवेकी, बुद्धिहीन या मूर्ख होता है और लूडिक्रॉस का मतलब भी अविवेकी, बुद्धिहीन या मूर्ख होता है। तो हम इन दोनों वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं, रिडी लूडी, रिडी लूडी, दोनों का सेम साउंड है। रिडी लूडी से हम इन वर्ड को याद रख सकते हैं कि रिडी और लूडी। तो रिडिकुलस और लूडिक्रॉस दोनों का सेम साउंड आ रहा है। तो इस टाइप से हम इन वर्ड को याद रख सकते हैं कि रिडिकुलस और लूडिक्रॉस का मतलब अविवेकी, बुद्धिहीन और मूर्ख होता है। इसका नेक्स्ट सिनोनिम दिया है फार्सिकल। फार्सिकल को कैसे याद रखेंगे, देखो फार्सिकल में एक वर्ड आ रहा है फारसी, एक लैंग्वेज होती है फारसी। फारसी बहुत कम लोग जानते हैं, ज़्यादातर आपने हिंदी और इंग्लिश सुनी होगी, लोग हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फारसी जो बोलने वाले हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। तो जो व्यक्ति फारसी जानता है वो वहाँ फारसी में हर किसी को मूर्ख बना सकता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज कोई समझता तो है नहीं। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रख सकते हैं कि फारसी बोलने वाला हर किसी को मूर्ख बना सकता है, मतलब फारसिकल का मतलब होता है बुद्धिहीन, अविवेकी, मूर्ख। नेक्स्ट सिनोनिम है इसका लोफेबल। लोफेबल का मतलब होता है हास्यपद, बुद्धिहीन या मूर्ख। देखिए लोफ से है यहाँ पर लोफेबल बना हुआ, लोफ मतलब होता है हंसना, लाफ का मतलब हंसना होता है और लोफेबल का मतलब होता है हास्यपद। यह वर्ड आप ऑलरेडी जानते होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सिनोनिम है इसका रिजिबल। रिजिबल का मतलब भी हास्यपद, अविवेकी या बुद्धिहीन या मूर्ख होता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने अपशोर्ड के वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारे यहाँ पर अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौकिया। शौकिया मतलब जो किसी चीज़ का शौकीन होता है उसको बोलते हैं अमेचर। इसका एक सिनोनिम है फोंड। फोंड का मतलब भी शौकीन होता है। देखिए फोंड को कैसे याद रखें, फोंड का साउंड फाउंड जैसा आ रहा और फाउंड का मतलब पाया, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड। फोंड और फाउंड की एक ही स्पेलिंग का अंतर है, फोंड की स्पेलिंग FOND है और फाउंड की स्पेलिंग होती है FOUND। यदि आपको फाउंड का अर्थ आता है फाउंड मतलब पाया तो आप फोंड को याद रख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है इसका लेमैन। लेमैन का मतलब भी होता है शौकिया और एक वर्ड है इसका ले पर्सन। ले पर्सन का मतलब भी शौकिया होता है। देखिए लेमैन और ले पर्सन में केवल नाम मात्र का फर्क है, दोनों में ले आ रहा है, एक में मेन जुड़ा हुआ है और दूसरे में पर्सन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अमेचर के यहाँ पर तीन सिनोनिम कंप्लीट हुए, फोंड, लेमैन, ले पर्सन। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम इस पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में अधिक से अधिक अगर मान लो हम सिनोनिम आपको कंप्लीट करवाएंगे तो आपके दिमाग में वहाँ ज़्यादा समय तक इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे। हमारी केवल एक ही पॉलिसी है कि बूंद बूंद से घड़ा कैसे भरा जाता है। यदि आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया रूट वर्ड लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।